Welcome everyone to my YouTube channel Become a Master of CAD Design. इस वीडियो में हम क्यू लाइन स्टेटस के बारे में और अधिक सीखेंगे. आखिर क्यू स्टेटस लाइन का यूज़ क्या है? बहुत से इंफॉर्मेशन है जो हमें क्यू स्टेटस लाइन से हमें मिलते हैं, जो एनएक्स हमें देता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें एनएक्स बता रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड यूज मिडिल माउस बटन 3 और डबल क्लिक एन ऑब्जेक्ट. यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना माउस ले जाते हैं तो हमें ये बताता है, जैसे ये बता रहा है मिरर फीचर 11. ऐसे ही यदि हम उस फीचर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें बताता है मिरर फीचर 11 सेलेक्टेड. ये बस एक इंफॉर्मेशन है जो हमें क्यू स्टेटस लाइन हमें यहाँ पे देता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कोई भी टूल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड जो है एक्टिवेट करते हैं, जो भी टूल हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं, जो हमारा क्यू लाइन है उसके अनुसार, टूल के एक्टिवेट जो है हमारा उसके अनुसार यहाँ पे हमें कुछ कमांड से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हमें बताता है कि हमें आगे क्या करना है. जैसे यहाँ पे लिख रहा है सेलेक्ट प्लेनर फेस टू स्केच और सेलेक्ट सेक्शन ज्योमेट्री. मतलब हम यहाँ पे कोई सेक्शन ज्योमेट्री सेलेक्ट कर सकते हैं या हमें कोई प्लेनर फेस सेलेक्ट करना होगा स्केच क्रिएट करने के लिए. एक्सट्रूड को क्रिएट करने के लिए हमें या तो कोई प्लेनर फेस स्केच के लिए लेना होगा या तो हमें कोई सेक्शन सेलेक्ट करना होगा. यदि हम सेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा सेक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिख रहा है सेलेक्ट सेक्शन ज्योमेट्री. ये हमारा, अभी हम और सेक्शन ज्योमेट्री सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ लिखना है बुलन विल बी ए यूनाइट. मतलब हमें यहाँ पे एक बुलन जो यूज़ हो रहा है वो यूनाइट, यदि हम ऐसा करते हैं तो ये यूनाइट हो जाएगा जो हमारा थिक एंड बॉडी है उसके साथ. तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पे. तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बुलन. यदि हम और कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखता है नो बुलियन विल बी. तो ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन है और ये हमारे यहाँ पे क्या करना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और ये एक तरह से बस इन्फॉर्मेशन है कि क्या हो रहा है. उसी तरह फॉर एग्जांपल हम यदि स्केच सेलेक्ट करते हैं, सेकेंड ऑप्शन जो हमारा एक्सट्रूड में था, कि और सेलेक्ट सेक्शन ज्योमेट्री और या सेलेक्ट प्लेनर फेस टू स्केच. तो हम यहाँ पे स्केच सेलेक्ट करने के लिए कोई प्लेनर फेस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम एक न्यू प्लेन लेते हैं. तो यहाँ पे लिखेगा सेलेक्ट डिफाइन प्लेन. तो यहाँ पे यदि हम स्केच के लिए प्लेन लेते हैं तो इस तरह से जो भी कमांड हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे प्रोफाइल में हैं तो यहाँ पे लिख रहा है सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन और प्रेस एंड ड्रैग टू बिगेन आर्क क्रिएशन. तो इस तरह से जो भी टूल में आप हैं उससे रिलेटेड आपको क्या करना है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा इससे. ये टूल न्यू यूज़र के लिए बहुत ही यूज़फुल है. यदि कोई आप न्यू यूज़र कोई टूल यूज़ करता है तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा बताने में कि आपको आगे क्या करना है, और बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन देगा जो आप के लिए इम्पोर्टेंट होगी. क्यू स्टेटस लाइन में जो मिडिल एरिया में जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, और जो हमारा लेफ्ट एरिया है वहाँ पे कमांड से रिलेटेड हमें आगे क्या करना है उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. जो पुराने यूज़र हैं वो बेसिकली क्यू लाइन को इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं देखते हैं, मगर ये काफ़ी यूज़फुल है यदि हम कभी भूल गए और कंफ्यूज हो जाएं कि ये कमांड कैसे काम करती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी. तो आपको इसका यूज़ करना चाहिए. थैंक यू. इस वीडियो में इतना ही. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.